नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम प्राइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब तक चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए पर दाम और इसके असर की चर्चा खूब हुई, आपने खूब सुनी। लेकिन आज हम आपको एनडीए का पीडीए प्लान दिखाएंगे, वो पीडीए प्लान जो इसी साल और अगले साल के आखिर में होने वाले चार राज्य बिहार, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अगर सहयोगियों का साथ बना रहा तो बड़ा असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसी पीडीए के सहारे लोकसभा सीटों के मामले में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। इस फॉर्मूले का इतना बड़ा व्यापक असर रहा और बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 63 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। तो अब इस नुकसान की भरपाई उसी हथियार से जिससे जख्म पहुंचा है, यानी कि पीडीए। आज देखिए झारखंड हरियाणा टू महाराष्ट्र एनडीए ने कैसे चला कास्ट कार्ड। भारत माता की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं चिराग पासवान। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं 9 जून को शपथ ग्रहण के साथ एक बार फिर एनडीए ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं राजीव रंजन। लेकिन इस शपथ ग्रहण में बिहार का दबदबा देखने को मिला। बीजेपी से गिरिराज सिंह, जेडीयू से ललन सिंह, एलजेपी रामविलास पार्टी से चिराग पासवान, हम से जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि बीजेपी के नित्यानंद राय, बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे, बीजेपी के राजभूषण चौधरी राज्य मंत्री बनाए गए, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को भी राज्य मंत्री बनाया गया। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिहार के इन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह देने के पीछे वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में बिहार के जातिगत समीकरण को साधने की दुर्गामी पहल की है। मोदी ने एनडीए गठबंधन के जनाधार वाले 36% ईबीसी से 2 और 19% एससी यानी पासवान और मुसहर जाति को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर बिहार विधानसभा चुनाव को साधने की बिसात बिछा दी है। साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और जिस तरह का जातीय समीकरण बिहार में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उससे विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की चुनौतियां बढ़ी, क्योंकि जिस बिहार में साल 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी बिहार में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को बड़ा डेंट लगा। एनडीए को सीधे सीधे 9 सीटों का नुकसान इस चुनाव में हुआ। नरेंद्र मोदी जी का आगमन पर इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि पार्टी जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधने में नाकाम रही, पर इसका सीधा फायदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को हुआ। यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी विधानसभा चुनाव को साधने में अभी से लग गए। एक बात तय है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे।
आप जान ही रहे कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया और 240 पे ले आया। तो ये बात तो स्पष्ट है कि एक संदेश जनता ने दिया है और हम सब लोग विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के आए। ललन बाबू को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, रामनाथ ठाकुर को एग्रीकल्चर दिया गया है, हमें वस्त्र मंत्रालय दिया गया है, नित्यानंद राय हैं, गड़बड़ करेंगे तो कानूनन भी ठीक करेंगे, कई और लोग हैं, उनके समझ से बाहर है। होल गवर्नमेंट का नीचे और ऊपर दोनों मिलकर के, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर हम बढ़ेंगे। गिरिराज सिंह और ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। इन दोनों को कैबिनेट में जगह देकर पीएम मोदी ने अपने कोर एजेंडे को बिहार में कायम रखा। गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुत्व की राजनीति का बड़ा चेहरा और लगातार तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे। वहीं ललन सिंह बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू से आते हैं। इन दोनों को कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने भूमिहार मतदाताओं की निष्ठा को कायम रखा है। माना जाता है कि भूमिहार बीजेपी का कोर वोटर है, इसलिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। चिराग पासवान, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है और इस तरह की भी संभावना है कि जो जातियां छूट गई है, खास करके राजपूत जाति, सवर्ण समाज से और कुशवाहा जाति, इनको भी राज्यसभा के माध्यम से इनके नेताओं को एकोमोडेट करके मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, इस तरह के भी कयास हैं। तो बिल्कुल जातीय समीकरण का ध्यान रखी है इस बार मंत्रिमंडल के निर्माण में। विभागों के बंटवारा में रह गई बात कि क्या ये जातियाँ पोलराइज्ड हो करके एनडीए को फिर एक बार मजबूती देगी नहीं देगी, ये तो वक्त बताए। हम पार्टी के संयोजक और गया से सांसद जीतन राम मांझी और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को भी कैबिनेट में जगह दी गई। 2024 में लोकसभा चुनाव में ये दोनों बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। इन दोनों के सहारे बीजेपी बिहार की जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी। प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ई विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। रामनाथ ठाकुर और राजभूषण चौधरी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर 36% ईबीसी में 112 वर्गों में बटे लगभग 5 करोड़ मतदाता को लुभाने का प्रयास किया गया। दरअसल बीजेपी का मानना है कि इससे आधार मतदाता में पचपनिया पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। जदयू कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए रामनाथ ठाकुर, जो एक हजाम यानी नाई समुदाय से हैं, इसके बाद डॉक्टर राजभूषण चौधरी मलाह जाति से हैं। मिथिलांचल में दोनों जातियों का मत निर्णायक रहता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जातियों को ध्यान में रखकर टिकट दिए। यही वजह है कि इस चुनाव में एनडीए के 30 सांसद अलग अलग जातियों से जीतकर संसद पहुंचे। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी, कोयरी, गंगोता, धानुक, कामत, गंगई, सुनार, निषाद, मुसहर, पासी, पासवान, इन सभी जातियों से जीतकर एनडीए के 30 सांसद संसद पहुंचे। गिरिराज सिंह फ्लैग बियरर के तौर पर रहे हैं, हिंदुत्व के एक चेहरे के तौर पर रहे हैं और इस वजह से बीजेपी बार बार उनको मंत्रिमंडल में जगह देती है। वहीं ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, दो दो लोग भूमिहार कोटे से आए हैं। 2025 के आने वाले चुनाव की बात अगर की जाए तो स्वाभाविक है कि जातीय अस्मिता और जातीय भाव का असर तो मन मस्तिष्क पर पड़ता ही है। आखिर 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कौन कौन सा ट्रंप कार्ड बीजेपी ने खेला है और कैसे 2025 को साधने के लिए एनडीए में मंत्री पद का बंटवारा बिहार को लेकर किया गया है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।
तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बिहार में जातियां आखिर कितनी है। ये जाति फैक्टर जो है बिहार को देखते हुए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको दिखाते हैं जल्दी से, कुल मिलाकर के देखिए जातियां आती हैं 215। इसमें अगर कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर दें तो इनकी आबादी कितनी है हर जाति के हिसाब से वो देखिए। ओबीसी जो है 27%, सबसे ज्यादा अति पिछड़ा 36%, ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है वो सबसे ज्यादा है 36%, शेड्यूल कास्ट दलित आबादी 19%, ट्राइब्स की आबादी 1.68, जनरल 15.52%, जिसमें ब्राह्मण भूमिहार ये तमाम जातियां आती हैं वो 15.52% है। तो बिहार में चुनाव के वक्त कास्ट फैक्टर जो है वो समय के साथ और मजबूत और प्रभावी हुआ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कास्ट कार्ड यहां हर दांव पर भारी साबित होता आया है और इसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी में कैसे अब एनडीए जुट गई है और पहली तैयारी के रूप में मंत्रिमंडल में इसकी छाप कैसे नजर आती है, चलिए वो अब आपको हम दिखा देते हैं और ये बताते हैं चेहरे। दरअसल वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, देखिए गिरिराज सिंह लगातार 3 टर्म में प्रधानमंत्री के तौर पर रहते नरेंद्र मोदी के गिरिराज सिंह मंत्रालयों में बने रहे हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, भूमिहार जाति से आते हैं, 2.86% हिस्सेदारी है भूमिहारों के बिहार में। ललन सिंह की बात करें, लंबा राजनीतिक अनुभव है, कहा जा रहा था रेल मंत्रालय शायद इनको मिल सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भूमिहार जाति से आते हैं, 2.86% हिस्सेदारी भूमिहार जाति की, यह भी भूमिहार जाति से आते हैं। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह को इस बार बनाया गया है। अगला नंबर देखिए जीतन राम मांझी, आपने सुना अपने विजन वाला मंत्रालय दिया है उनको प्रधानमंत्री ने उनसे यह बात कही। मुसहर जाति से आते हैं, मुसहर जाति की आबादी कितनी है 3.08%। चिराग पासवान एक युवा चेहरा, बिहार का बहुत बड़ा स्टेक इन पर है, बिहार में अपनी पार्टी को लेकर भी और एनडीए भी बड़ा स्टेक लगाती है। दोसाध जाति से आते हैं, 5.31% की हिस्सेदारी है, पांचों की पांचों सीटें इस बार इन्होंने चुनाव में निकाली भी, ऐसे में इनके ऊपर जिम्मेदारी एनडीए को देखते हुए और ज्यादा बढ़ जाती है, भरोसा भी बढ़ता है। अब आगे देखिए नित्यानंद राय बीजेपी के अहम चेहरे, यादव जाति से आते हैं, 14% हिस्सेदारी है यादवों की। सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण जाति से आते हैं, 3.66% ब्राह्मणों की हिस्सेदारी जनरल कैटेगरी के बीच आती है। इसके अलावा कुछ और नाम है, राजभूषण चौधरी मल्लाह जाति से आते हैं, 2.6% मल्लाहों की आबादी है बिहार में। एक अहम नाम देखिए रामनाथ ठाकुर का, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, नाई जाति से आते हैं, हजाम जिनको बिहार में कहा जाता है, 1.60% इनकी भी हिस्सेदारी आती है। लेकिन अहम बात यह है कि बिहार में शायद ये पहली बार हो रहा है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजपूत जाति से कोई मंत्री नहीं बना, वो भी तब जब एनडीए ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजपूत जाति से ही दिए थे और इसकी पड़ताल अभी बाकी है विश्लेषकों के अनुसार। मनोहर लाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हरियाणा के 5 सांसदों में से 3 को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के फैसले को अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों के संदर्भ में देखा जा रहा है। मैं मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वही राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण लाल गुर्जर को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। खट्टर पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही राव इंद्रजीत सिंह एक प्रमुख अहिर नेता है जिनका दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों और गुरुग्राम जिले के कुछ हिस्सों पर प्रभाव है। कृष्ण लाल गुर्जर गुज्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार हरियाणा में, क्योंकि जेजेपी से उसका गठबंधन टूट चुका है, ऐसे में उसके लिए हरियाणा में राहें मुश्किल नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी जाति के आधार पर मतदाताओं को बांटने के उद्देश्य से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने जानबूझकर जाटों को दूर रखा है। बीजेपी खुद को गैर जाटों के हितैषी के रूप में पेश कर उनका वोट हासिल करने के प्लान पर काम करती नजर आ रही है। वहीं झारखंड में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में झारखंड से भी 2 मंत्री बनाए गए, अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट और संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया। झारखंड की सांसद अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया, वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री थी। वही संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। खास बात यह है कि लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है।
जब झारखंड के किसी भी आदिवासी नेता को जगह नहीं मिली। इसकी वजह का अनुमान लगाना सबसे आसान है, क्योंकि पांचों एसटी सीटों पर भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया। कैबिनेट मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा खुद चुनाव हार गए। भाजपा पिछले 2-3 साल से आदिवासियों पर काम कर रही, लेकिन 2024 के चुनाव में हेमंत की गिरफ्तारी का मुद्दा हावी रहा और आदिवासी वोट बीजेपी को नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी समझ चुकी है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, और यही वजह है कि भाजपा यहां माइनस आदिवासी और माइनस कुर्मी पॉलिटिक्स खेलने का मन बना चुकी है। हालांकि आदिवासियों और कुर्मी के बिना राज्य में सरकार नहीं बन सकती, ऐसे में अब इसकी कमान स्थानीय नेताओं को दी गई। जो एनडीए के जीती हुई सीटें हैं सबको पता है, उसके बाद भी उनको दो दो मंत्रिमंडल में दो दो लोगों को जगह दी गई है। ये सीधे सीधे दिख रहा है कि वैश्य समाज से लेकर के और पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज पर भी एक दाव लगाने की कोशिश की गई है। रघुवर दास जी को पहले ही जगह दे दी गई है बतौर गवर्नर के तौर पर। तो देखना होगा कि क्या ये सत्य है कि नहीं सत्य है। हरियाणा पर भी उसी तरह से दाव लगाया गया, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बड़ी विभाग और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और लोगों को एकोमोडेट किया गया है। सिर्फ झारखंड और हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जोर तोड़ की राजनीति को लोकसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया। ऐसे में अब महाराष्ट्र को साधने के लिए वहां से 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया। बीजेपी को 2024 के चुनाव में जिस राज्य में सबसे बड़ा झटका लगा है उसमें महाराष्ट्र एक अहम राज्य है। मोदी सरकार में पिछले 2 कार्यकाल में महाराष्ट्र कोटे से 8-8 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार सीट कम होने से मंत्री पद भी कम हो गया। मोदी सरकार ने राज्य से 6 मंत्री बनाए हैं, जिसमें 4 बीजेपी कोटे से हैं और 2 सहयोगी दल से मंत्री बने। महाराष्ट्र से एनसीपी अजित पवार गुट एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनसीपी के किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई से पीयूष गोयल, रामदास अठावले, उत्तर महाराष्ट्र से रक्षा खड़से, पश्चिम महाराष्ट्र से मुरलीधर मोहोल और विदर्भ के बुलढाड़ा से जीते शिंदे सेना के प्रताप राव जाधव को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में झटका लगने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल करते समय जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को देखा गया। मंत्रिमंडल में दलित, ओबीसी, मराठा और गडकरी के रूप में ब्राह्मण चेहरे को शामिल किया गया है। मराठवाड़ा और कोंकण से किसी को भी मंत्री पद न मिलने से राजनीतिक पंडित भी हैरान है। मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले आने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ हानि का विश्लेषण किया गया और उसी के आधार पर मंत्री के लिए चेहरों का चयन किया गया। बिहार, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए पीएम मोदी ने मंत्री पद के सहारे विधानसभा चुनावों को साधने का प्लान बनाया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना फायदा बीजेपी और इसके एनडीए गठबंधन को मिलता है। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी राज्यों का कैसे ख्याल रखा गया है, चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि कुल मिलाकर के इस साल अंत में 3 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा, इसके अलावा बिहार है और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य जहां पर चुनाव है। देखिए, राज्य सबसे पहले हरियाणा, कुल मंत्री बनाए गए हैं 3, कब है चुनाव, अक्टूबर से नवंबर 2024। झारखंड में 2 मंत्री बनाए गए हैं, नवंबर दिसंबर 2024, साल के अंत में चुनाव। महाराष्ट्र में भी देखिए साल के अंत में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, 6 मंत्री सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी की खबरें भी यहीं से सामने आ रही है, महाराष्ट्र से। लेकिन आप जानते हैं एनडीए में ऊपर से भले ये कहा जा रहा हो कि कोई नाराजगी नहीं है, तमाम दल जो सहयोगी हैं भले वो कह रहे हो कोई नाराजगी नहीं और सारे सहयोगी संतुष्ट हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में तो तेजस्वी यादव पहले ही जेडीयू को मिले मंत्रालयों को झुनझुना बता चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट भी खुलकर आपत्ति जता चुके हैं और चुनाव होने में अभी थोड़ा वक्त भी बीच में बाकी है। अब ये नाराजगी इस बीच दूर होती है या फिर समय के साथ गहराती है, इस पर निर्भर करेगा कि आगे एनडीए का ये जो पीडीए समीकरण है कितना कारगर साबित होता है, ये कितना बनता या कितना बिगड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।